विशिंग यू अ वेरी छोटी हैप्पी दिवाली टू ऑल. और फेस्टिवल का वाइब्स है तो मिठाई तो बनती ही है, मीठे का मन आ जाता है जैसे फेस्टिवल वाइब्स आती है. तो अभी जो है मैं बनाऊंगी बेसन की चक्की. तो अभी जो है मैं फर्स्ट टाइम बेसन की चक्की बनाने जा रही हूँ एंड माई मम्मा इज लाइक कि तू चीज़ बिगाड़ेगी. के बाद मैंने कहा मम्मी नहीं, मैं नहीं बिगाड़ूंगी चीज़, क्योंकि मम्मी बोलती. और मैंने पिंटरेस्ट पे देखी थी कि किस तरीके से, तो वो फट फट बना रही थी, तो कि मुझे लगा बहुत इजी है. लगा क्या, लग रहा है और मैं बनाऊंगी. और तो चीज़ें देखने में बहुत इजी लग रही है, तो मम्मा बोली कि वो तेरे को इजी लग रही है देखने में, लेकिन वो जल्दी जल्दी बनाते हैं और वो इतनी सी बनाते हैं तो इसलिए, और तुझे बनानी इतनी सारी. मैंने कहा मम्मा ठीक है, डोंट टेक टेंशन. तो अभी जो है मैं बनाने जाऊंगी बेसन की चक्की, तो इसलिए मैं आ गई हूँ किचन के अंदर. तो देखते हैं, हम पहले अपने अस्त्र शस्त्र निकालते हैं. अरे कहना क्या चाहते हो? अस्त्र शस्त्र निकालते हैं जो हम लोग बेसन की चक्की के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो निकालेंगे. सो या गाइज, बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड प्लीज़ गाइज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ कोकोमेनिया. अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो एक सब्सक्राइब ही तो करना है, प्लीज़ कर दीजिए ना. ओके गाइज, अभी जो है पापा गए हुए हैं मार्केट और गाड़ी घर पे नहीं है और फोर व्हीलर मुझे चलाना आता नहीं है, तो पापा जल्दी से घर पे आ जाएंगे. तो मैंने उनको बोल दिया इलायची लेते हुए आना है एंड पापा बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत टाइम लगेगा तो ले आना वो ये. अब मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है घर से जाने की. सो लेट्स सी, जल्दी से पापा आते हैं फिर उसके बाद मैं तैयारी करती हूँ. या सबसे पहले मैं बड़ी वाली कढ़ाई निकालूंगी. ये आप देख सकते हैं हमारे जो अनयूज बर्तन हैं उनको सबको मैंने धोआ के सब कुछ इसमें रख दिया. वो बड़ी कढ़ाई वो है इधर, अब इन सबको निकालना है. कैसे निकलेगा भाई, उसके लिए मुझे वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी. तो मैं निकाल के आपके सामने. सो गाइस, यहाँ पर जो है हमारे अस्त्र शस्त्र निकल चुके हैं बेसन सेकने के लिए, चाशनी बनाने के लिए और भी बहुत पापड़ी वगैरह सब कुछ बनेंगे इसके अंदर. तो ये सब निकल चुके हैं. सबसे पहले जो काम होता है अपने आप को हाइड्रेट रखना. तो सबसे पहले मैं अपने आप को हाइड्रेट रखूँगी. तो सबसे पहले मैं भर लेती हूँ अपनी पानी की बॉटल, जो कि बहुत ज़रूरी है. पानी पीना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम लोग पानी भर लेते हैं फटाफट से. गाइस, मैं तो अपने आप को हाइड्रेट रख रही हूँ, तो होप सो आप लोग भी अपने आप को हाइड्रेट रख रहे होंगे. तो गाइस, अभी हमारा खाना वाना तो हो चुका है, लेकिन जो हमारी कोको मैडम है उसका खाना नहीं हुआ है. तो सबसे पहले मैं कोको का खाना ग्राइंड कर देती हूँ, उसके बाद मैं जो है मेरा काम करूँगी. तो यस, पर जो है कोको का खाना ग्राइंड कर देंगे. गाइस, कोको का खाना रेडी हो चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ कोको है कहाँ. कोको ये देख सकते हो आप गाइस, अलमीरा के अंदर नीचे कपड़ों को घेर कर और ये इस तरीके से. और गाइस प्लीज़ इग्नोर द मैस. अभी आप हमने दिवाली की सफाई तो बार बार से तो हो गई है, अलमीरा जमानी अरेंज करना बाकी है बस. तो ये सब करेंगे और यहाँ पर इस मैडम को देखो अपने आप अलमीरा को खोल कर और ये अंदर सो जाती है. कोको खाना नहीं खाना आपको, खाना चलो जल्दी आओ. सकते हैं ये इस तरीके से नाटक करती है और मेरे को कितना मैनेज करना पड़ता है इसके साथ. कोको कोको कोको
आओ कोको खाना खाएंगे आज। कोको आओ, ए चलो बाहर आओ, चलो बाहर आओ, बाहर आओ। ये देखो कौन आया, हाँ मेरा बच्चा आया छोटा सा। चलो खाना खाएं। सुबह से इसने सिर्फ पपीता खाया और कुछ नहीं खाया, क्योंकि इसका फेवरेट होता है पपीता और शकरकंदी आलू, ये इसके मोस्ट फेवरेट फूड्स है। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, खाना खाएंगे ऊपर नहीं जाना अभी। इसके मोस्ट फेवरेट खाना खाने की वो है, तो अभी मैं जाती हूँ इसको खाना खिलाती हूँ। हम खाना खाना है, चलो 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 खाएंगे। तो अब जो है इसको खाना खिलाऊंगी। मैं खुद नहीं खाती गाइस, और आप प्लीज़ मुझे बताओ मेरे को इसको खुद कैसे खाइए खाना। मेरे को मतलब सुबह मैं खिलाती हूँ, रात को भैया खिलाता है। जिस दिन रात को भैया मुझे मना कर देता है कि मैं नहीं खिलाऊंगा, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है गाइस। सच में इतना दिमाग ख़राब होता ना कि जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सुबह इतना काम करती हूँ और अभी तो वेकेशन चल रहे, तो यू नो मम्मियों का होता है ये भी कर लो वो भी कर लो, तो थक जाती हूँ काम करते करते। तो बट फिर भी मैं सुबह इसको खिलाती हूँ। मैंने कभी भैया को नहीं बोला कि तू खिला दे, और मैं जब भी बोल देती हूँ नहीं तू खिला, लेकिन रात को कई बार भैया मुझे बोल देता है तू खिला दे वो भी, तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उसको चम्मच बेबी की तरह खिलाना। एक दो दिन अच्छा लगेगा, दो दिन अच्छा लगेगा, तीसरे दिन से तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत टाइम लगता है इसमें। तो बच्ची है क्या करे। चलो चलो मैं इसको खाना खिलाती हूँ, और उसके बाद हम हलवा बनाएंगे। सो या गाइस, अभी जो है मेरी इलायची आ चुकी है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक बेसन की चक्की। तो चलो देखते हैं। इलायची लाए हैं पापा, ये भी कुछ कुछ है, और ये क्या है, ये भी कुछ कुछ है, इनको रखते हैं हम साइड में। सबसे पहले हम इसको वॉश कर लेते हैं। तो ये सब वॉश है, एक बार हम और इसको वॉश कर लेते हैं। गाइस वो मेरा मिरर था वो ऐसा ही पड़ा हुआ था, हमें उसको लगाने के लिए मैंने कब से इन अंकल को बोल रखा था, लेकिन अब जाकर वो लोग आए हैं। तो आज जो है मिरर का फाइनली काम हो रहा है, क्योंकि ये ना नीचे एक पड़ा पड़ा भी झड़ रहा था, तो इस वजह से। तो अब जाकर ये देखो कॉर्नर से हट गया। सो गाइस मैंने यहाँ पर जो है बेसन छान लिया है, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसके अंदर अब घी डालकर सेकेंगे बेसन को। गाइस यहाँ पर जो है घी मेल्ट हो चुका है अभी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई है, अब मैं धीरे धीरे बेसन डालूंगी। यहाँ पर अब कम आंच में मैंने घी डाल दिया था, अब इसको सेकना है। अभी भी देखो घी जो है ऐसे पड़ा, अच्छे से सेकेंगे। तो बहुत इजी है, लेकिन सच में गाइस बैंड बज जाती है, पसीना पसीना हो गया है। बनाते हैं बना हुआ। तो यहाँ पर मम्मा और कर रही है पपड़ी की तैयारियाँ। फेस्टिवल वाइफ फुल ऑन। यस मम्मी, मम्मी तो इग्नोर करती है मेरे को। देखो देख रहे हो गाइस, मैंने कुछ बोला मम्मी इग्नोर करी। अभी भी देखो भाई, अभी पहले लड़ाई चलेंगी दोनों में। हमें लगता है कि मिठाई बनाना बहुत इजी होता, बट आई एम सॉरी पिंटरेस्ट वालों, आप लोग बहुत धोखा करते हो, फट फट चीज़ें बना लेते हो। गाइस यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत देर तक आपको इसको हिलाना पड़ेगा अच्छे से, जब तक इसका घी छूटने ना लग जाए। आप देख सकते हैं इसका घी जो है
छूटने लग गया है, और हमेशा इसको कम गैस के ऊपर ही इसको सेकना है। अगर तेज़ गैस पे सेकोगे तो नीचे से ऐसे चिपकने लग जाएगा और ये अच्छे से सिकेगा भी नहीं। तो यहाँ देख सकते हो, मैं तो थक गई भाई साहब, मैं तो फिर से थक गई। So guys, मैं तो थक चुकी हूँ, मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे बोल गए हैं, बस बस बस। तो अभी मैंने पापा को लगा दी। अच्छा। पापा कैसा लग रहा है आपको? कितना अच्छा, बहुत अच्छा। देखो ऑलमोस्ट होने वाला, हो ही गया ये, देखो मम्मी आप सिक्के एकदम। मैंने इसमें मलाई भी डाल दी है, इसको मिक्स करते हैं पहले। ये पूरा बेसन सिक चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है मम्मा चाशनी की तैयारी कर रही है, इसके अंदर मैंने डाल दी है इलायची और एक तार की चाशनी बनानी है हमें। और बेसन हो गया गर्म है बहुत। तो गाइज अभी जो है चाशनी बन रही है और मैं बहुत थक चुकी हूँ, वैसे लग रहा है सो जाऊँ, बट त्यौहार का टाइम है, सोना मना है। जैसे कि मेरी मम्मा बोलती है मेरे को आईब्रोज करवाने भी जानी है, और हमें मार्केट भी जाना है किसी काम से, ज़रूरी काम से कुछ चीज़ें लानी है। और तो बस जल्दी से चाशनी रेडी हो जाए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कैसी बनेगी बर्फी। गाइज हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक तार की बनी है या नहीं। तो देख सकते हैं ये कढ़ाई में एक तार की बन चुकी है। रुको ना, पकड़ो ना, मैं ऊंधा रही हूँ ना, पकड़ के रखो बस। बस 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 बस, एक मिनट भैया, बहुत ज्यादा हो गया। नहीं नहीं डालो, हो जाएगी, बात ऊपर रख दीजिए, ऊपर कढ़ाई के उतार। हमें बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा है भाई मीनू यार। गाइस हमने इनको थाल में निकाल लिया, मैं इनके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा देती हूँ। यू कैन सी सकते हैं मेरी ये जो भेलपूड़ी, भेलपूड़ी कह रहे क्या बोलते हैं, मूंग थाल बड़ा राधी। तो गाइज यहाँ पर जो है मेरी ये बनके तैयार हो गई है, बस मेरे को इसके ऊपर बोर्ड लगाना है, चांदी का वर्क जो होता है ना, बोर्ड लगा देते फटाफट से, पूरी रेडी हो चुकी है। तो बहुत टेम्पटिंग लग रही है। सो गाइज ये चांदी का वर्क है, मैं अब लगा देती हूँ इसको फटाफट। मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है, थोड़ा थोड़ा बचा था तो वो भी लगा दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, अब मैं इनको कट भी कर दूंगी क्योंकि ये सूखने लग गई है, तो फिर बाद में दिक्कत आएगी कट करने में। तो या गाइस फाइनली हमारा सब कुछ बन चुका है। हम लोग दिन के 3-3:30 बजे लगे थे, अभी अप्रॉक्स 7 बज गए फिक्स। और मैंने खाना भी बना लिया, पनीर के परांठे एंड धनिया की चटनी। अभी एक और टास्क बाकी है, मैं और मम्मा अभी जाएंगे मार्केट कुछ सामान लेने। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हालत एकदम ऐसी हो गई है, अब सो जाओ ऐसा लग रहा है। तो बट बाहर का जो माहौल है एकदम ऐसा है एनर्जेटिक वाला। तो लेट्स सी, अभी हम जाते हैं और कुछ शॉपिंग कर आएंगे। गाइस हमारी शॉपिंग तो हो चुकी है, शॉपिंग तो ऐसेज तो कुछ नहीं करी, और मार्केट में मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैं ये सैंडविच, क्या क्या बोलते हैं इसको, बर्गर, और मम्मा आइसक्रीम लेकर आई हैं। तो ये इंजॉय करते हैं, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली टू ऑल। कल का जो ब्लॉग आएगा बहुत अच्छा आएगा, आई डोंट नो, अच्छा ही आएगा, लेकिन कोई है नहीं यहाँ पर तो देखते कैसी बनेगी। दिवाली है कल, सो दैट्स इट। खुश रहिए और प्लीज़ डॉग्स को
बचाइए। काफ़ी सारे लोग क्रैकर्स जला देते हैं, लेकिन सुमो का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अभी कोको को भैया ने एकदम पैक कर दिया है ताकि डर ही ना, तो इस वजह से मेरे को तो पटाखे जलाना भी अच्छा नहीं लगता। देख लीजिए हमारे पिछले दिवाली के भी पटाखे अभी तक स्टिल पड़े हुए हैं, पता नहीं कब जलेंगे वो, इस बार भी जलेंगे या नहीं जलेंगे। बट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है पटाखा जलाना, क्योंकि कोको को जो चीज़ पसंद नहीं है तो वो चीज़ मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। सो आप लोग जलाइए, लेकिन जो बाहर जो जानवर उनकी भी ध्यान रखिएगा। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय।